प्लास्टिक बैग के विनाशकारी प्रभाव से मानव तंग हो जाएगा और ये बैग मानव के लिए अभिशाप साबित होंगे, तब लोगों का ध्यान प्रकृति की ओर जाएगा। प्लास्टिक बैग की खोज करके मनुष्य ने प्रकृति को जो दंड दिया है, उसके लिए अब उसे क्षमा मांगनी होगी। इस विवेकहीन अपराध के लिए उसे प्रकृति की ओर लौटना होगा। जूट उत्पादन के ये प्रमुख सोपान हैं। इस कार्यक्रम में हम इन सोपानों पर विचार करेंगे। जूट तिलियासी परिवार का वर्ष भर पैदा होने वाली फसल है। यह विश्व के उष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। जूट रेशे दो जातियों कॉर्कोरस कैप्सुलरिस तथा कॉर्कोरस ओलिटोरियस से प्राप्त होते हैं। खेत तैयार करने की यह प्रथम अवस्था है। जल सुविधा तथा मिट्टी की आर्द्रता के आधार पर वर्ष में जूट खेती दो बार होती है। भारत में यह मॉनसून पूर्व और मॉनसून के समय की जाती है। कुछ देशों में जूट जाड़े में भी उगाया जाता है। जूट के लिए जैव उर्वरक आदर्श है, अतः इस समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर मिट्टी के ढेले या पिंड तोड़े जाते हैं, अनावश्यक घासें तथा खरपतवार निकाल दिए जाते हैं। अब बुआई के लिए यह खेत तैयार है। जूट बीजों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। बीजों को हाथों से छींटकर बोने की प्रथा पुरानी है, पर अब बुआई मशीनों द्वारा की जाती है। मशीन में बीजों को डालकर उसे खेत में गिराया जाता है। बीजों के गिरने की रफ्तार मशीनों द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। किसान अपनी दिशा बदलते समय बगल में लगे इस छड़ से दो पंक्तियों की दूरी समान रखता है। इसे पंक्ति बुआई कहते हैं। परंपरागत विधि की अपेक्षा इस विधि में कुछ लाभ हैं। बीज कम लगते हैं, बीजों का छितराव सहज होता है,
पहिएदार कुदाल का प्रयोग किया जा सकता है, उर्वरक का प्रयोग सहज है, छींटकर बोना की अपेक्षा सामान्यतया पंक्ति बुवाई द्वारा पैदावार अधिक होती है। जूट की किस्म और भूमि विशेषता के आधार पर जूट की बुवाई फरवरी के अंत से मई तक की जाती है। कैप्सुलरिस बीज 2 से 4 दिनों के भीतर अंकुरित होता है, जबकि ऑलिटोरियस 3 से 5 दिनों में। यह 3 दिन की बेहन है। नमी की कमी से ऑलिटोरियस बीज का अंकुरण देर से होता है। कम दूरी पर यह ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ये 5 दिन की बेहन है, ये 15 दिन की बेहन है। विरलन एक आवश्यक प्रक्रिया है। बोए बीजों की संख्या पौधों से अधिक होती है। यदि अंकुरणीयता 95% हो और छींट कर बुआई में प्रत्येक बीज अंकुरित हो, तो 70 से 75% या उससे भी अधिक विकसित बेहन निश्चित रूप से उखाड़ फेंकनी चाहिए। पौधे उगने के लगभग 1 महीने के भीतर विरलन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि 2 पौधों के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच रहे। जूट कृषि में निराई भी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जूट पौधों की अपेक्षा घासें अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। यद्यपि सभी घासों का सफाया करना अत्यंत कठिन है, पर यह अवश्य होना चाहिए। निराई मजदूर करते हैं, अतः श्रम मूल्य अधिक होता है। इस कारण निराई के लिए अक्सर किसान शाकनाशियों का प्रयोग करते हैं। कुछ शाकनाशियां मिल जाती हैं, पर उनके द्वारा हानियां भी हैं। निराई किया हुआ खेत ऐसा दिखाई पड़ता है। खरपतवारों की संख्या के आधार पर खेतों की निराई सामान्यतया 2 या 3 बार आवश्यक है। दूसरी निराई में अनावश्यक जूट पौधे भी उखाड़ फेंके जाते हैं। जूट कृषि में संपूर्ण खर्च का 30 से 35% निराई और विरलन में होता है। विरलन के बाद खेत की मिट्टी पांचा द्वारा बटोरते हैं, पर गीली मिट्टी रहने पर ऐसा नहीं करते। पंक्ति बुआई में रेकिंग निश्चित ही निराई का एक और तरीका है। नाइट्रोजन उर्वरक वनस्पति वृद्धि में सहायक होती है, अतः रेशे उत्पादन में इसके द्वारा वृद्धि होती है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि ऑलिटोरियस जातीय जूट में रेशे का उत्पादन कैप्सुलरिस की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात पहला बाद वाले की अपेक्षा नाइट्रोजन का अधिक सक्षम उपभोक्ता है। अन्य फसलों की तरह जूट भी विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीड़ों मकौड़ों तथा बीमारियों से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले कीड़ों मकौड़ों के बारे में जानकारी करें। जूट को प्रभावित करने वाले कीड़ों मकौड़ों में यह प्रथम है, जो एपियन कॉर्कोरी कहलाता है। यह जूट के पर्ण समूह को पसंद करता है, पर उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन मादा कीड़ों के अंडे देने की आदत से पौधा नष्ट हो जाता है। अंडों से निकले भृंगक या डिंभ छाल के भीतर ऊतक में पलते हैं। कभी कभी एपियन कॉर्कोरी के आक्रमण से संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। अक्सर प्रशिक्षित व्यक्ति ही कीड़ों की पहचान करते हैं, उदाहरण के लिए अनोमिस सेबेलोफेरा या जूट सेमीलूपर। हरे रंग का होने के कारण यह अपने आप को पत्तियों में छिपा लेता है। यह जूट की कोमल पत्तियां खाने वाला लोलुप कीड़ा है। इसके खाने के बाद पत्तियां इस प्रकार दिखाई पड़ती हैं।
इसे इंडिगो कैटरपिलर या सोडोप्टेरा एक्जिगुआ कहते हैं। खैर, यह व्यस्त है तथा इसे विश्वास है कि यह जूट नहीं बल्कि मानव भुजा है। और भी अनेक कीड़े मकौड़े हैं जो जूट को हानि पहुंचाते हैं, पर अभी तक जिनकी चर्चा की गई है वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के साथ संतुलित उर्वरीकरण, समय से विरलन तथा निराई कीड़ों के आक्रमण के विरुद्ध प्रथम अभियान है। संघर्ष के लिए रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध हैं, पर इनमें से कुछ अनेक देशों में प्रतिबंधित हैं। अधिक उपयोगी कीटनाशक पर शोध हो रहा है। सौभाग्यवश कीड़ों का महामारी रूप जूट फसल में अभी तक नहीं देखा गया है। चूंकि जूट की अधिकांश किस्में देशी हैं, इस कारण वे पहले से ही जैविक संकट के अनुकूल हैं। पर उत्परिवर्ती और विदेशी किस्मों के आवागमन से स्थिति में परिवर्तन संभव है। जूट की बीमारियां हैं नवोद्भित शीर्णता, ग्रीव विगलन, स्तंभ विगलन तथा जड़ विगलन। बेहन से पत्तियों का झड़ना पहली बीमारी के प्रारंभिक लक्षण हैं। बीज पत्र पहली पत्तियां सबसे पहले झड़ती है और यदि मौसम शुष्क रहा तो बाकी पत्तियां भी झड़ना शुरू कर देती हैं। सामान्यतया प्रारंभिक संक्रमण या तो स्वयं बीज से आते हैं या मिट्टी से। फंगस बीज पत्र से अथवा जड़ से प्रवेश करते हैं। फसल उगने के 60 दिनों के भीतर स्तंभ विगलन किसी भी समय शुरू हो सकता है। फंगस पत्तियों द्वारा तने में प्रवेश करता है और विगलन फंगस की क्रियाकलाप का परिणाम है। जूट की कुछ किस्मों में आत्मसुरक्षा के साधन विकसित हुए हैं और ये पौधे साधारणतया प्रभावित पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छे विकसित पौधे प्रायः ग्रीवा पर अर्थात धरातलीय सतह के तने पर संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण से उत्कक्षी घाव होता है और अंत में धरातलीय सतह पर स्तंभ टूट जाता है। मूल विगलन का अर्थ है पौधों का मुरझाना और सर्वप्रथम यह परिपक्व पौधों में उनके शिखर पर दिखाई पड़ता है। पत्तियां गिरती हैं और पटल धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ते हैं। तने का हरा रंग विभिन्न प्रकार की भूरी छाया में बदल जाता है। ये सभी बीमारियां मैक्रोफोमिना फेसियोलिना एक सूक्ष्म जैविक द्वारा होती है। एक ही भूमि खंड में लंबे समय तक केवल जूट की खेती, मिट्टी की पैदावार बढ़ाने के लिए अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग, ये दोनों ही ऐसी अनेक बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। समुचित बीजों की कमी भी एक कारण है। अब बीजों की वृद्धि का उत्तरदायित्व निजी संस्थाओं से राज्य संगठनों की ओर जा रहा है। जूट खेती में फसलों का आवर्तन आवश्यक है। जूट धान और जूट गेहूं ये फसलों के ऐसे प्रतिरूप हैं जो किसानों के लिए व्यावहारिक और ग्राह्य हैं। इस आवर्तन से स्तंभ और मूल विगलन में कमी आ सकती है। आवर्तन दोनों फसलों के लिए लाभकारी है। Thank you.
समय आ गया है और कृषक अपने कठिन परिश्रम के फल को प्राप्त कर सकते हैं। कटाई कब होनी चाहिए, यह सभी कृषकों के समक्ष एक समस्या है। याद रहे, जूट कृषि अच्छे रेशों के लिए की जाती है और ऐसे रेशों का निर्माण अति प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू होता है। लगभग 100 से 130 दिनों के अंदर जूट में फूल आने लगते हैं और वे परिपक्व हो जाते हैं, पर यह उसकी किस्म पर आधारित होता है, कृषक कटाई अभी करे या पहले या और बाद में। यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। जल्दी कटाई करने पर रेशे बहुत ही अच्छी किस्म के पर कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, लेकिन देर से कटाई पर विपरीत अवस्था होती है। इसीलिए कृषकों को सोचना पड़ता है कि कटाई किस्म के लिए करें या मात्रा के लिए। अतः गुण और परिमाण दोनों ही के लिए जूट कटाई तब की जाए जब उसमें फूल आना शुरू हो। सामान्य रूप से 120 से 130 दिनों के भीतर जूट कटाई होनी चाहिए। कट जाने पर जूट का चुनाव होता है और उसे खेत में यों ही या कभी कभी बंडल में बांधकर पत्ती विहीन शुष्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें लगभग 3 दिन लगते हैं। सूखने से पौधे हल्के हो जाते हैं और उन्हें ढोना आसान हो जाता है। अब दूसरा कठिन काम अबगलन शुरू होता है। पौधे की कटाई से लेकर रेशे प्राप्त करने की विभिन्न स्थितियां अबगलन कहलाती हैं। रेशे की किस्म के निर्धारण का यह सबसे बड़ा मापदंड है। दोषपूर्ण अबगलन के कारण अच्छी किस्म का पौधा भी खराब किस्म का रेशा पैदा कर सकता है। वहां बंडल पानी की ओर ले जाया जा रहा है। इन्हें केवल पानी में फेंक देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अच्छी तरह सजा कर रखना आवश्यक है। फिर उन्हें एक साथ बांध दिया जाता है जिससे वे बह न सकें। बंडलों का यह संपूर्ण ढेर जैक कहलाता है। जैक को तब किसी सुलभ टैनिन रहित पौधों जैसे जलकुंभी, धान, घास आदि से ढक देते हैं। यह तैरता जैक तब पानी की सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे दबा दिया जाता है। इस बात का ध्यान रहे कि जैक पूर्णतया पानी के नीचे दबा रहे और गट्ठर का कोई भी भाग दिखाई न पड़े। वहां देखिए, अब अगले कुछ दिनों तक कृषक बैक्टीरिया के कार्य की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह कार्य 10 से 16 दिनों तक पूरा होता है, जो अबगलन के पानी के तापमान और फसल की आयु पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया दोनों ही आदि से अंत तक अपने कार्य में रत रहते हैं, पर दोनों में एक अंतर है। एरोबिक बैक्टीरिया प्रथम और अंतिम अवस्था में सक्रिय होते हैं, जबकि अनएरोबिक बैक्टीरिया मध्य अवस्था में। मंद गति का बहता पानी आदर्श है, पर यह सदैव उपलब्ध नहीं। तालाब
और सड़क के किनारे के पानी इसके विकल्प हैं। नमकीन पानी इसके लिए हानिकारक है। जलमग्न गट्ठर पोखरे की सतह स्पर्श न करे। अब गलन जल का बार बार परिवर्तन जूट रेशे की किस्म के लिए ठीक नहीं। बैक्टीरिया ने तो प्रायः अपना काम कर लिया और अब हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये हाथ अब एक निपुण कारीगर की हैसियत से काम करेंगे। वे प्रत्येक डंठल से धीरे धीरे निश्चित रूप से प्रकृति के बहुमूल्य रेशे का निष्कर्षण करेंगे। डंठल अलग कर लिए जाते हैं क्योंकि उनका भी एक खास उपयोग है। या केवल यह धुलाई हो जाने पर रेशों को सूखने के लिए लटका दिया जाता है। भारतीय जूट उद्योग शोध संस्थान में जूट की अधिक पैदावार, अच्छे रेशे तथा जूट की विभिन्न किस्मों के विकास के लिए अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे जूट रेशे के नवीनतम उत्पादन हेतु सतत प्रयत्न कर रहे हैं। अपने अगले कार्यक्रम में हम जूट रेशों के विभिन्न कार्यकलाप देखेंगे।